भैया। अरे सोमवती पर गई जेठ में चल गंगा नहाया मैं। बता रही है अपने पिया को? कैसे बता रही? कैसे? सोमवती पर गई जेठ में चल गंगा नहाया मैं। ओ भैया मेरे भाई चतुर सुझाने।
मनोरंजन हुआ और वैसे पुराने कैंडिडेट तो पहले वाली पार्टी के कुछ रिटायरमेंट हुए, वैसे काफी दिन से गा रहे, लेकिन पार्टी में नए नए युवा हैं, कुछ गलती हो जाए आपके काम में क्षमा करते रहना। तो आज आपके बीच में एक रोमांचिक कथा लेकर के आए, बिल्कुल न्यू ब्रांड, 6, 7, 4, 18 प्राण से बाहर निकल रजिस्ट्रेशन का। प्यारे दोस्तों, रिठोरी गांव पड़ता है नंदगांव बरसाने के पास में। तो रिठोरी गांव में एक ब्रजभान नाम के रहते थे और उस ब्रजभान के एक लड़की थी जिसका नाम था चंद्रावल था। हाँ, फिल्म चंद्रावल देखूंगा, दूसरी वाई के नाम से चली होगी वो फिल्म। तो चंद्रावल का काम था, प्यारे दोस्तों, कि नित प्रतिदिन अपने गांव से माखन के मटका भर करके अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के और मथुरा के लिए बेचने के लिए जाती थी। झा होकर चंद्रावल का मार्ग था रास्ता, उसी रास्ते में भगवान श्याम सुंदर गाय चराते। एक दिन का समय, भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों से कहने लगे, अरे सकाओ, अरे मित्रों, कितनी भी ब्रज की कितनी भी गोपिका है, मैंने सबका माखन खा लिया है, लेकिन इस चंद्रावल का माखन मैंने नहीं खाया। प्रिय बंधु सुदामा मन सुख कहने लगे, अरे काना, अरे तू इतनी टेंशन क्यों करता है, हम तेरे को आज ही चंद्रावल का माखन खिला देते हैं। प्यारे दोस्तों, एक दिन चंद्रावल अपनी सबकी सहेलियों को मटका सर पर रख के दही के संग सहेलियों को साथ में लेकर के 16 श्रृंगार करके जाती है, तो भगवान श्याम सुंदर रास्ते में घेर लेते हैं। तो चंद्रावल कहती है, रे काना, तू डेली को नित प्रतिदिन मेरे को परेशान करता, बोल आज नहीं जाने दूंगा तेरे को निकल गया, आज मेरे साथ में सब ग्वाल वाले नहीं जाने दूंगा, तेरे को माखन खिलाना ही होगा। तो किस प्रकार से वो चंद्रावल गुजरी, भगवान श्याम सुंदर से कहती है कि बर्तन तो तेरे पास में है नहीं है, अरे कुछ जंगल से पत्ता तोड़ कर ले आ, उन पे माखन खिला दूंगा। तो भगवान श्याम सुंदर को जो जंगल में पत्ता तोड़ने के लिए भेज देता है, अकेला मनसुख रह जाता है चंद्रावल के पास में, और चंद्रावल उस मनसुख में पिटाई करके भाग जाती है। जब भगवान श्याम सुंदर आते हैं, रोने लगते हैं, कहने लगे, ये तो तीनों लोगों को छलने वाला इसने छल लिया। आगे कथा को कीर्तन के माध्यम से श्रवण करेंगे। आइए, बड़ी रोमांचक कथा है, अच्छी सुंदर।
देखे
देख देख शर्माए इंडिया, चल दे चल दई नहीं हो मोटिया दई बे, चल पूरी चाय गुजरिया चमक छल्लो भगवान।
हाथ हथेले से चल जा फिर है परे गई जाके
भैया,
हेलो औरी भीतर घुसे बादला श्री कृष्ण भगवान कैसे भैया अरे जब बदली कमर चार बल थावे सामरो नैन सो लहरावे लटक रो पल्लो कैसे बेटा मिल रही भुजा पसार बादना ग्वालिन चमक छल्लो सीना में और बैयर भानी के में तो काफी फर्क होता है प्यारे दोस्तों। कहने लगे भगवान श्याम सुंदर बहन बालापन में शादी हो गई, 8-9 बच्चे हो गए, बाद में टाइफाइड बन गया, शरीर दुबला पतला हो गया। चलो कोई बात नहीं, चंद्रावल कहती है बहन पानी भरने के लिए चलते हैं। किस प्रकार से पानी भरने के लिए जाते हैं? कैसे जा रही है भाई? अरे सामरे को डील मरोरा का सरपट्टा से भर तो जावे बनो जनानी कैसे बच्चा तीन लोग को नाथ भर ग्वालिन के घर पे पानी कैसे बेटा अरे के माथा ऊपर धर लियो मटका और कनिया में लगावे झटका बंसी बारो के लिए गई तो बैयर बानी की चाल में और आदमी की में तो बहुत फर्क हुए। चंद्रावल थोड़ी सी चले भगवान श्याम सुंदर सरपट्टा भरे से कहने लगी बहन तेरी ये चाल क्या है? ये तो दार में कारा सा लग रहा है, ये मालूम नहीं था कि सारी दारी कारी है। आइए तो कहने लगे बहन मैं जब बालापन में छोटी सी थी मेरे माँ बाप गाय चराने के लिए भेजते थे, गाय औजार में जाती थी तो मैं भाग करके निकाल कर लाती थी, इसलिए मेरी चाल जल्दी जल्दी हो गई है। ले गई घर पे और कहने लगी बहन भोजन बनाती हूँ अभी आपके लिए। कैसे भैया? अरे के हलवा पूरी और कचौरी कैसे भैया चंद्रा बल बढ़िया बारी खीर बनाई काजू किसमें
हमको दा।